हाय फ्रेंड्स, गोवा को कौन नहीं जानता। यह पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेश तक सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा को देश की स्वतंत्रता के 14 साल बाद आज़ादी मिली थी। चलिए आपको बता दें कि गोवा आखिर कैसे भारत का हिस्सा बना, इसके पीछे क्या रोचक कहानी है, यह आप बताते हैं। इससे पहले आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल नॉलेज पाठशाला में स्वागत है। तो पहले गोवा का इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो देखिए, गोवा या फिर गोवा क्षेत्रफल में हिसाब से देश का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर का सबसे छोटा राज्य है। दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत तट, मशहूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 ईयर्स तक शासन किया था और दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। गोवा नाम का इतिहास क्या रहा है, इसको देखते हैं। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप्राष्ट यानी गाय चराने वालों के देश के रूप में मिलता है। दक्षिण कोंकण तट का क्षेत्रफल, जिसमें उल्लेख है कि गोवा राष्ट्र के रूप में पाया गया है। संस्कृत के कुछ अन्य पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी या गोपकपट्टम कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है। अन्य नामों में बात करें गोवा के तो गोवे, गोवापुरी, गोपाटपाटम, औरंगोमंत प्रमुख हैं। टॉलमेनी ने गोवा का उल्लेख हर्ष 200 के आसपास गोव के रूप में, अरब के मध्ययुगीन यात्रियों ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से भी इंगित किया है, जो मुख्य रूप से एक तटीय शहर का कहा जाता है। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा था, वह आज का छोटा सा समुद्र तटीय शहर गोवा वेला है। बाद में इस पूरे क्षेत्र का गोवा कहा जाने लगा, जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। अब बात करते हैं गोवा के इतिहास की। पहले अपने बात की गोवा के नाम के इतिहास की, अब गोवा इतिहास की बात करते हैं, ठीक है। गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी ईसा पूर्व से हुई है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासक की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासक का अधिकार स्थापित हुआ। फिर बादामी के चालुक्य वंश ने इस पर 580 से लेके 750 तक राज किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया और 1469 में गुलबर्ग के बाहमी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बाहमी शासकों ने पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसमें गोवा वेला को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब है बात करते हैं पुर्तगालियों का कब्जा इस शहर पर। मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुक्रक के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खान ने हमला किया। शुरू में उन्होंने पुर्तगाली सेना को रोक दिया, लेकिन बाद में अल्बुक्रक ज्यादा बड़ी सेना के साथ लौटा और विजय प्राप्त कर उन्होंने शहर पर फिर से कब्जा कर लिया और एक हिंदू तिमोजा को गोवा का प्रशासन नियुक्त कर दिया गया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाल साम्राज्य की एक राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के सम्मान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच यह उन्नत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। अंग्रेजों के कब्जे में 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा स्वतः ही अंग्रेज अधिकारों में चला गया। 1815 से लेके 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहां के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। पुर्तगालियों के कब्जे में फिर से आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया और अंग्रेजों की दोहरी नीति व पुर्तगाल के दबाव के कारण गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाल अधिकारियों का यह तर्क दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था,
भारत नाम का कोई शहर या कोई गणराज्य अवस्थित नहीं था उस टाइम। फिर बात करते हैं गोवा स्वतंत्र आंदोलन के बारे में कि गोवा का स्वतंत्र आंदोलन किस टाइप से रहा। गोवा का स्वतंत्र आंदोलन 1928 में शुरू हुआ जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। गोवा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष टी बी कुल्ला थे। डॉक्टर टी बी कुल्ला को गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। दो दशक तक लगभग गोवा का स्वतंत्र आंदोलन थोड़ा धीमा रहा। फिर 1946 में स्वतंत्र सेना और प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा पहुंचने से आंदोलन को एक नई दिशा मिली। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा की करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करने पर उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारतीय सेना की तैयारी कि भारतीय सेना ने किस तरफ तैयारी की। भारतीय सेना की तैयारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार बार के आग्रह पर बावजूद पुर्तगाली भारत को छोड़ने एवं झुकने को तैयार नहीं हुए थे। उस समय दमन द्वीप भी गोवा का एक हिस्सा था। जब पुर्तगाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह को नहीं माने तो अंत में भारत के पास ताकत का ही इस्तेमाल बच गया था। उसका एक ही ऑप्शन था कि ताकत के जरिए गोवा को हासिल किया जाए। 1954 में मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों में दादर और नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। 1961 में भारतीय सेना के तीन अंगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के आदेश दिए गए। मेजर जनरल के पी केडेथ को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभाव दिया गया। भारतीय सेना की तैयारियों के बावजूद पुर्तगालियों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा। भारतीय वायुसेना के पास उस समय 6 हंटर स्क्वाड गार्ड और 4 कैनबरा स्क्वाड गार्ड थे। गोवा मुक्ति अभियान। गोवा अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एयरलिंक पिंटो के पास थी। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया। युवा सेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की। भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमले से पुर्तगाली तिलमिला गए थे, हिल गए थे उस। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वाल्सो डी सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण कर समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन द्वीप को मुक्त कर दिया। वहां से पुर्तगालियों के 441 साल पुराने औपनिवेशिक शासक को खत्म कर दिया और पुर्तगाल को जहां भारत के हमले का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी ओर उन्हें गोवा के लोगों का रोष भी झेलना पड़ा था। जब पूर्ण राज्य बना गोवा, बाद में गोवा में चुनाव हुए और 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भटनागर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। गोवा के महाराष्ट्र में विलय की भी बात चली क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के पड़ोस में ही स्थित था। वर्ष 1967 में जहां जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां स्टेट बन गया। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और यदि आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके बारे में। यदि इसके रिलेटेड और कोई वीडियो बनाना हो तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।